इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां राजस्थान में एक दूसरे पर हमलावर है। वहीं ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर बड़ा एक्शन लिया है। कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर से जुड़ी कंपनियों की 752 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है, जिसके बाद अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी से लेकर उद्धव ठाकरे की गुट वाली शिवसेना भी बीजेपी के वॉशिंग मशीन पर हमलावर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। विधानसभा चुनाव के बीच और लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ईडी ने एक बार फिर से नेशनल हेराल्ड केस में बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने गांधी परिवार से जुड़े एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी AJL यंग इंडिया की 752 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। ईडी के मुताबिक इन सारी संपत्तियों को गैर कानूनी तरीके से हासिल किया गया था। ईडी ने PMLA के तहत संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। ईडी की तरफ से किए जा रहे इस एक्शन के बाद कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया है और इसे चुनावी राजनीति बताया जा रहा है। कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी ने एक्स पर लिखा, ईडी द्वारा AJL की संपत्तियों को अटैच करना भाजपा का चुनाव से गुजर रहे राज्यों में होने वाली निश्चित हार से ध्यान बांटने की कोशिश है। ऐसी ओछी हरकतों से कांग्रेस या विपक्षी दलों को नहीं झुकाया जा सकता। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी मुद्दे से हटाने के लिए ये कार्रवाई करवा रही है। वहीं राज्यसभा सांसद कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी कार्रवाई पर सवाल उठाया। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार आप भी सुनिए। तुम AJL को मालूम होना चाहिए, अपनी ईडी को मालूम होना चाहिए। ईडी की अटैचमेंट है ना 752 करोड़ की, तुमको मालूम होना चाहिए कि कानून क्या कहता है, ये तो मालूम होना चाहिए ना। ईडी तो वकीलों के इशारों पे चलती है ना, वकील बताते होंगे उनको कानून क्या है। तो मुश्किल ये, एटलीस्ट मुझे ये मुश्किल लगती है कि अगर यंग इंडिया कहते हैं कि उन्होंने सारे शेयर AJL के ले लिए 99%, यही है ना, ये चार्ज है ना, तो इसका मतलब वो AJL की प्रॉपर्टीज के की जो संपत्ति है उसके वो तो हकदार बन गए, ठीक है ना। अगर मैं आपकी कंपनी में शेयर खरीदता हूँ, मैं रिलायंस में खरीदता हूँ, टाटाज में खरीदता हूँ या अडानी की कंपनी में खरीदता हूँ और मेरे पास 1,000,000 शेयर है, तो मैं अडानी की प्रॉपर्टी का संपत्ति मेरे पास आ गया। शेयर होल्डर तो शेयर होल्डर होता है ना, संपत्ति तो कंपनी की होती है, हाँ, प्रॉपर्टीज कंपनी ओन करती है, शेयर होल्डर प्रॉपर्टी नहीं, शेयर होल्डर की संपत्ति नहीं होती। शेयर होल्डर तो अपने शेयर बेच सकता है, कोई और खरीद सकता। ये तो हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि जब जब मोदी जी संकट में होते हैं वो अपने सबसे प्रबल घटक दल ईडी को मैदान में उतार देते हैं, और इससे पूरी तरह से ये साफ हो चुका है कि जो दो बचे हुए चुनाव हैं, तेलंगाना में तो वो निस्तो नाबूद है और राजस्थान भी वो बुरी तरह से हारने वाले हैं, अन्यथा वो ईडी से ये कार्रवाई ना कराते। ये सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, सिर्फ मुद्दे से भटकाने के लिए कार्रवाई कराई गई है। लेकिन जैसा कि जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रकाशित अखबार जो स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख और प्रखर आवाज था, कहता है फ्रीडम इज इन पेरिल एंड डिफेंड विद ऑल योर माइट, हम बिल्कुल ऐसा करेंगे। अगर आप कानूनी तौर पर भी देखिए तो यहाँ पर कोई एसेट का ट्रांसफर नहीं हुआ है, यहाँ पर मनी का ट्रांसफर नहीं हुआ है, यहाँ कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, यहाँ पर कोई शिकायतकर्ता नहीं है, यहाँ पर किसी ने नहीं कहा कि उसके हक का हनन हुआ है, तो ये किस बात पे कार्रवाई हो रही है? ये एक राजनीतिक साजिश है, एक षड्यंत्र है, वो होने दीजिए, जनता इसका जवाब देगी। वही शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अभी सब बीजेपी में चले जाए तो उनकी वॉशिंग मशीन में सारे भ्रष्टाचार के दाग साफ हो जाएंगे। वहीं बीजेपी कांग्रेस के तमाम आरोपों को गलत बता रही है। उसका कहना है ईडी राजनीतिक पार्टी नहीं है, ऐसे में उसकी कार्रवाई को राजनीति बताना बिल्कुल गलत है। वैसे जिस तरीके से चुनावों से पहले ईडी और CBI का एक्शन तेज होता हुआ दिखाई देता है, इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।